स्टार्ट करते हैं इनफ्लोरिसेंस से। तो ये क्या चीज़ होती है? अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन फ्लोरल एक्सिस। जो फ्लावर का जो मेन एक्सिस होता है फ्लोरल एक्सिस, उसके ऊपर जो अलग अलग टाइप के जो फ्लावर्स हैं अलग अलग ढंग से जो अरेंज होते हैं उसको इनफ्लोरिसेंस बोलते हैं। टू मेजर टाइप होते हैं इसके, रेस्मोज इनफ्लोरिसेंस, जिसके अंदर जो मेन एक्सिस है वो लगातार ग्रो करती रहती हैं, और फ्लावर्स आर बोर्न लेटरली, और जो फ्लावर हैं वो साइड वाइज उगते रहते हैं। तो जो ओल्ड फ्लावर है वो बाहर की तरफ मिलेंगे और जो यंगर फ्लावर है वो सेंटर में मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड देखने को मिलती है यहाँ पे। और इस ऑर्डर को हम एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं, एक्रोपेटल ऑर्डर बोला जाता है इसको, जो कि लिप्स में भी हमने देखने को मिला था। सब अधिक काइमोज, काइमोज के अंदर क्या होता है, जो मेन एक्सिस है वो टर्मिनेट हो जाती है एक फ्लावर के अंदर, और जो नए फ्लावर उगते हैं वो साइड में उगते हैं। तो जो बेस पे ऊपर होता है जो एक ओल्डर फ्लावर होता है, और साइड में जो यंगर फ्लावर देखने को मिलेंगे। और इस ऑर्डर को हम बेसिक पेटल ऑर्डर बोलते हैं, और यहाँ पे जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट होता है ये। तो डायग्राम हम समझ सकते हैं कि जो यहाँ पे फ्लावर्स के जो अरेंजमेंट है, ओल्ड फ्लावर है, फिर यंग फ्लावर है, उसके बाद जो यंगर फ्लावर है वो ऊपर की तरफ मिलेंगे, अनलिमिटेड ग्रोथ होती है, और जो ओल्ड फ्लावर है वो नीचे, जैसे जैसे ग्रोथ होती रहेगी तो नीचे ओल्डर फ्लावर बनते रहेंगे। तो ये इन्फ्लोरिसेंस हम देख सकते हैं इसमें, जो रेस्मोज टाइप की जो इन्फ्लोरिसेंस है वो रियल डायग्राम है, जिसके अंदर ऊपर हम फ्लावर बड्स देख रहे हैं, नीचे जो फ्लावर्स हैं वो खिले हुए हैं, मतलब ओल्ड फ्लावर हैं वो। उसके बाद जो हमारा काइमोज टाइप का इन्फ्लोरिसेंस है, बेसी पेटल ऑर्डर मिलेगा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो मेन बेस पे एक फ्लावर उगेगा, उसके बाद जो साइड से जो फ्लावर हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है यहाँ पे लिमिटेड देखने को मिलेगी। एस्टिवेशन, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स इन फ्लोरल बड। जो फ्लोरल बड होता है फ्लावर के अंदर जो भी अरेंजमेंट होता है, सेपल्स और पेटल किस तरीके से अरेंज हैं विद रिस्पेक्ट टू अदर मेंबर ऑफ सेम वर्ल, एक दूसरे के साथ वो किस तरीके से अरेंज हैं, तो उसको एस्टिवेशन बोला जाता है। टाइप्स क्या होते हैं? वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन, जब सेपल्स और पेटल्स एक वर्ल में होते हैं, जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन विदाउट ओवरलैपिंग। तो एक दूसरे को बिना ओवरलैप किए हुए उनके जो सिरे हैं वो एक दूसरे को टच करते हैं, इस तरीके से अरेंज होते हैं। जैसे कैलोट्रोपिस के अंदर, ट्विस्टिड के अंदर क्या रहेगा, वन मार्जिन है वन अपेंडिसेज का, वो दूसरे को ओवरलैप करेगा, ऊपर वाले में ओवरलैपिंग नहीं थी, यहाँ पे ओवरलैपिंग देखने को मिलेगी, और इस तरीके से आगे वाले उससे आगे वाले को ओवरलैपिंग करता हुआ मिलेगा। जैसे चाइना रोज है, लेडी फिंगर है और कॉटन है, इनके अंदर ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन देखने को मिलता है। इम्ब्रिगेट के अंदर जो मार्जिन है सेपल्स के और पेटल्स के, वो ओवरलैप करते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे कवर करते हैं, बट नॉट इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। ऊपर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन था ओवरलैपिंग का, लेकिन यहाँ पे नहीं है, डायग्राम से समझेगा मेन। कैसिया और गुलमोहर में ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। उसके बाद है वैक्जिलरी और पैपलियो नियसियस कंडीशन, इसमें क्या रहता है, कंडीशन स्पेशल है ये, फाइव पेटल्स मिलेंगे, लार्जेस्ट वाले मिलेंगे दो, ओवरलैप्स टू लेटरल पेटल्स विंग्स, जो दो ऊपर लार्ज वाले होते हैं ओवरलैप करते हैं जो छोटे वालों को, जिनको विंग्स बोला जाता है, बड़े वालों को स्टैंडर्ड बोला जाता है। विच इन टर्न ओवरलैप टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स कील। अच्छा, तो एक लार्जेस्ट होता है जो कि उसे नीचे वालों को दो को कवर करता है विंग्स, और वो आगे दो, वो दो हैं जो विंग्स हैं वो आगे दो कील को, जो छोटे उनसे भी छोटे पेटल्स होते हैं उनको कवर करते हैं। पी एंड बीन फ्लावर के अंदर ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो हम ये डायग्राम देख सकते हैं जिनके अंदर यदि अपेंडिजीज हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो वेलवेट, यदि एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं उससे अगले वाला ओवरलैप, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग है ट्विस्टेड, यदि ये ओवरलैपिंग फिक्स नहीं है, जैसे ये है इसके दोनों सिरे अंदर की तरफ है, इसका एक सिरा बाहर एक अंदर की तरफ है, इसमें भी एक सिरा बाहर एक, इसमें दोनों सिरे बाहर की तरफ है, तो ये कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओवरलैपिंग नहीं है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्ब्रिकेट। और वेक्जिलरी के अंदर क्या रहता है, पांच पेटल्स पाई जाती हैं, पांच जो वर्ल्स हैं वो पाए जाते हैं, वर्ल्स जो अपेंडेजेज हैं, सबसे ऊपर वाला स्टैंडर्ड होता है लार्जेस्ट, वो दो को कवर करता है जिसको विंग्स बोलते हैं, और वो फिर आगे दो को कवर करते हैं जिसको कील बोला जाता है वेक्जिलरी के अंदर। उसके बाद प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन में क्या रहता है, जो ओव्यूल्स हैं ओवरी के अंदर अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं, उसी को अरेंजमेंट को ही प्लेसेंटेशन बोला जाएगा।
ये भी अलग अलग टाइप का होता है। जैसे मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या रहेगा, प्लेसेंटा फॉर्म से एक उबार सा देखने को मिलेगा बीचों बीच, जो कि अलोंग द वेंट्रल स्यूटर ऑफ द ओवरी, ओवरी का जो वेंट्रल स्यूटर होता है बिल्कुल बीचों बीच स्ट्रक्चर है उसके ऊपर प्रेजेंट होते हैं, और जो ओव्यूल्स हैं वो रिज के दोनों साइड में प्रेजेंट होते हैं, टू रोज बनाते हैं। जैसे मटर हम देखते हैं, मटर छीलते हैं तो बीचों बीच जो लाइन को यदि तोड़ते हैं तो आधे मटर एक साइड में चले जाते हैं, आधे एक साइड में, तो वो मार्जिनल प्लेसेंटेशन होता है। एक्जियल के अंदर जो ओव्यूल है वो मल्टीलोकुलरी ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, काफी सारे चैम्बर होते हैं और हर एक चैम्बर में ओव्यूल देखने को मिलते हैं, चाइना रोज, टोमेटो और लेमन के अंदर। उसके बाद है पेरिटियल, पेरिटियल के अंदर जो ओव्यूल हैं डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी ऑन द पेरिफेरल प्लांट पार्ट, बाहरी सरफेस पे, सेंटर पे नहीं होते, बाहरी सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। और ओवरी इज वन चैम्बर, यहाँ पे ओवरी है एक चैम्बर की मिलेगी, और बट बिकम्स टू चैम्बर ड्यू टू फाल सेप्टम, लेकिन यहाँ पे एक फाल सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि जो ओवरी है दो चैम्बर बनाई हुई है, जैसे मस्टर्ड एंड एग्रीमोन। हरी सेंट्रल, हरी सेंट्रल में क्या है, ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस, सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, और सेप्टा यहाँ पे अब्सेंट होते हैं, जैसे डाइएंथस और प्राइमोज के अंदर ये टाइप का जो प्लेसेंटेशन है वो देखने को मिलता है। बेसल के अंदर क्या है, प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ओवरी के बिल्कुल बेस में प्रेजेंट होगा, सिंगल ओव्यूल प्रेजेंट होगा यहाँ पे सनफ्लावर और मैरीगोल्ड में देखने को मिलता है। जो डायग्राम से हम समझ सकते हैं, मार्जिनल प्लेसेंटल जैसे मटर में होता है, जो ओवरी ओवरी का एक शूटर के ऊपर प्रेजेंट होते हैं जो भी स्ट्रक्चर हैं। एक्जियल प्लेसेंटेशन में जो हमने पढ़ा है कि जो मल्टीलोकुलरी अलग अलग लोक्यूल अलग अलग चैम्बर हैं और सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, जो एक्जेल एक्सिस है जो मेन एक्सिस है उसके ऊपर ओव्यूल हैं वो प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फरी सेंट्रल, अच्छा पेरिटल है, पेरिटल के अंदर पेरिफेरी में प्रेजेंट होंगे, सेंटर में नहीं है, पेरिफेरल पोर्शन में प्रेजेंट है। फरी सेंट्रल में क्या है, कोई अलग अलग चैम्बर नहीं है, फरी का मतलब है कोई बंद चीज नहीं है, जैसे यहाँ पे बंद थे, हालांकि सेंट्रल कंडीशन यहाँ भी थी लेकिन यहाँ पे फरी सेंट्रल कंडीशन है। और यहाँ पे क्या है, बेसल प्लेसेंटेशन है जिसके अंदर जो ओव्यूल है वो क्या मिलेगा, बिल्कुल बेस पे मिलेगा, एक सिंगल ओव्यूल है वो प्रेजेंट होता है इसके अंदर।